कॉन्वर्जेशन शुरू करनी चाहिए इन प्रॉब्लम्स, अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इतनी शादियां होती है जो टूट जाती है. पेरेंट्स एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि मैरिजेस या रिलेशनशिप एक ऐसे प्रॉब्लम के वजह से टूट सकते हैं, लेकिन फिल्म देखने के बाद असल 100% चेंज. शादियाँ टूटती है डेफिनेटली. हम इतने लोगों को जानते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, पेरेंट्स मानते ही नहीं है, बोलते छुट्टियों पे चले जाओ, सेकेंड हनीमून पे चले जाओ. वो उनको लगता है कि शादियाँ सिर्फ तब टूट सकती है अगर अब्यूजिव हस्बैंड हो या चीटिंग वाइफ हो या कोई ऐसी दिक्कत हो. नहीं यार, और पेरेंट्स तक ये बात पहुँचती ही नहीं है, क्योंकि कपल्स आपस में उनको इतनी शर्म आती है. सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का, और हमें इसे सॉल्व करना चाहिए. अगर ऐसे इशू होता है तो वेकेशन पे जाने से सॉल्व नहीं होगा. या तो साइकोलॉजिकल है तो आपको काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, अगर फिजिकल है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. सो यू टू सॉल्व दिस. अगर तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते. Of course, I don't think, एक second, somebody's sexual performance in bed does not mean that they are great men, you know. एक अच्छा आदमी होने के लिए आप में बहुत ज़्यादा दूसरे गुण होने ज़रूरी है. आप अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं, बहन को, परिवार को, आसपास के लोग को, समाज में आपका कैसा व्यवहार है, ये सब आपको परफेक्ट मैन बनाता है. जी बिल्कुल करनी चाहिए, और यही होगा फिल्म के बाद, आई एम श्योर.